धार्मिक नगरी अजमेर में 31 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे। पुष्कर विधानसभा के कार्ड विश्राम स्थली पर एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज कार्ड विश्राम स्थली पर जहां सभा होनी है वहीं पर भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता भदेल, सुरेश सिंह रावत भी पूजन में शामिल हुए। वहीं हमारे संवाददाता शुभ जैन ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से इस दौरान खास बातचीत की। धार्मिक नगरी अजमेर में 31 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर पहुंचेंगे और कायड़ विश्राम स्थली जो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आती है वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी मौजूद हैं। आज पूजा भी की गई है, सर किस तरीके से पूरा दौरा है और क्या रहे हैं? अजमेर की इस जगत पिता ब्रह्मा जी की इस देव भूमि पर माननीय प्रधानमंत्री जी की 31 तारीख को एक विशाल जनसभा होनी है और वो भी ऐसे समय जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के ऐतिहासिक 9 वर्ष पूरे हुए हैं, जिन 9 वर्षों में कई इतिहास बने हैं। 500 वर्षों पुराना हमारा सपना अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने, धारा 370 हटे, 3 तलाक हो, चाहे नागरिकता संशोधन कानून हो, चाहे दुनिया में भारत का बढ़ता वैभव हो। पहले दुनिया की तरफ भारत देखता था कि दुनिया कुछ मदद करेगी, लेकिन आज दुनिया में कोई निर्णय होता तो दुनिया भारत की तरफ देखती है कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। ये अंतर पिछले 9 वर्षों में आया है। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम लोग देखें तो देश में, दुनिया में तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में किसी अर्थव्यवस्था का नाम आता है तो भारत का नाम आता है। जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया उस देश को भी पछाड़ कर हम टॉप 5 इकोनॉमिक हमारी अर्थव्यवस्था में भारत पहुँच गया है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो ये कहता है कि आने वाले 3-4 वर्षों में भारत 3रे स्थान पर पहुंचेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सब कुछ संभव हो पाया है तो हमारे सांस्कृतिक उत्थान का भी ये ऐतिहासिक अमृतकाल रहा है। तो देश में गुलामी के चिन्हों को हटाने का भी, चाहे राजपथ को कर्तव्य पथ करना हो, चाहे मुगल गार्डन को अमृत उद्यान करना हो, चाहे NS विक्रांत जैसे नौसेना के जहाज पर जहाँ पुराना अंग्रेजों के ज़माने का चिन्ह लगा था उसको हटाकर शिवाजी का भगवा पताका फहरानी हो, ऐसे कई ऐतिहासिक काम के साथ गांव गरीब किसान तक उन योजनाओं को 60 कई वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे आज अंतिम व्यक्ति तक वो योजना पहुंची है। 60 वर्ष में जो नहीं हुआ पिछले 9 वर्ष में हुआ, आखिर क्या कारण है? इसीलिए देश की जनता का अगाढ़ विश्वास आदरणीय मोदी जी के साथ है। तो ऐसे जननायक, ऐसे राष्ट्रनायक आदरणीय मोदी जी अजमेर की धरा पर राजस्थान की इस वीर प्रसूता पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और राजस्थान को यह अवसर मिला है, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। तो ये तो सीपी जोशी जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है मोदी जी यहाँ पाएंगे और 9 साल का जो कार्यकाल रहा है, देश को किस तरीके से उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है उन उपलब्धियों को यहाँ से गिनाया जाएगा और जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। कैमरामैन त्रिवेद राम के साथ शुभम जैन, फर्स्ट इंडिया।